हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट हमजा अंसारी और आप देख रहे हैं भिवंडी पावरलूम। सो गाइस, अभी हम लोग हैं डाइंग फैक्ट्री में। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पे बहुत सारी मशीन और यहां पे बहुत सारा ग्रे फैब्रिक रखा गया है। सो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे बहुत सारी ट्रॉली है और ट्रॉली में पूरा कपड़ा रखा गया है और ये पूरा कपड़ा डाइंग होने के बाद यहाँ पर पूरा रखा गया है। बस ये कपड़े को प्रेस करना बाकी है। देखो कपड़ा कितना सॉफ्ट हो गया और कपड़ा कितना खिल रहा है। अभी ये जब कपड़ा प्रेस होएगा तो प्रेस होने के बाद कपड़ा बहुत अच्छा दिखेगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है और इस रोल के अंदर ग्रे फैब्रिक पूरा रोल हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ ट्रॉली है और ट्रॉली में से पूरा कपड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर पूरी मशीन है जहाँ से पूरा कपड़ा प्रेस हो रहा है और उसके मशीन के दूसरी तरफ से पूरा कपड़ा प्रेस होकर बाहर निकल रहा है। चलिए अभी चलते हैं दूसरी तरफ। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा रोल है, उस रोल में पूरा कपड़ा रोल हुआ है। आप लोग अभी जितना भी रोल देख रहे हो, ये सब कॉटन का ग्रे फैब्रिक है। आप लोग स्क्रीन पे जो स्काई ब्लू फैब्रिक देख रहे हैं, ये पूरा डाइंग होकर कंप्लीट हो चुका है और अभी इस कपड़े को ड्राई कर रही है। ये पूरा फैब्रिक मशीन के थ्रू ऊपर जा रहा है, ऊपर से पूरा ड्राई होते हुए नीचे की तरफ, उसके बाद फिर ऊपर जा रहे हैं और उसमें शायद कुछ केमिकल वगैरह भी डाल रहे हैं। मैं आपको आगे दिखाता हूँ वो सब। अभी हम आ गए मशीन के राइट साइड में और आप देख सकते हो, यहाँ पे कपड़ा ऊपर से नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे पूरे कपड़े में केमिकल लगाया जा रहा है। स्क्रीन पे आप लोग जो फैब्रिक देख रहे हैं, फैब्रिक देखिए कितना सॉफ्ट फैब्रिक है। इसका कुर्ता पजामा बहुत अच्छा बनेगा और आप देख सकते हो, ये 100% गीज़ा कॉटन, ये सब कुछ लिखा है ब्रांड का नाम। और देख रहे हो कैसे कपड़ा ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, फिर नीचे से ऊपर, पूरा मशीन में बहुत मतलब अच्छे तरीके से बहुत वर्क किया जा रहा है। उसमें केमिकल वगैरह लगा रहे हैं और इसकी स्पीड देखो कितनी तेज़ काम चालू है। पूरा कपड़ा गीला है देखो पूरा। अभी ये डाइंग होकर जस्ट शायद आया है अभी बाहर की तरफ। देखो कपड़ा, देखो बहुत सॉफ्ट कपड़ा है। यहाँ पे कपड़े में यूज़ करने वाला केमिकल रखा गया और आप हमारे सामने देख सकते हो बहुत सारी ट्रॉली, और ट्रॉली में पूरा ग्रे फैब्रिक भरा हुआ है। और ये देखो पूरा रोल में से पूरा कपड़ा निकल रहा है और निकलने के बाद पूरा जा रहा है ऊपर की तरफ और ऊपर से फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे से पूरा जा रहा है कपड़े में जो केमिकल वगैरह लगता है जिससे कपड़ा ख़राब ना, उधर पर पूरा उसका प्रोसीजर चालू है। यहाँ पे सारा कपड़ा डाइंग करके रखा गया है। यहाँ से कपड़े में केमिकल लगाएंगे, फिर कपड़े को ड्राई करेंगे। सो गाइस, अभी चलते आगे की तरफ और देखते आगे क्या चीज़ है। यहाँ पे देखो पूरा कॉटन का फैब्रिक है। देखो ये पूरा ब्रांड का नाम लिखा है, लेबल है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस फैब्रिक पे रेमंड कॉटन का लेबल लगा है और ये कपड़ा बहुत हैवी कपड़ा है। यहाँ पे जितना कपड़ा आई थिंक सब सोल्जर लूम पे बनाया गया है। ये वाला फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा थिक है, आई थिंक ये बेडशीट या फिर कोई और काम में जाएगा। ये रेडी हो गया ना माल पूरा? आप लोग यहाँ पे जितना भी फैब्रिक देख रहे हो, कुछ इंग्लिश पावर लूम पे बना है, कुछ जापानीज लूम पे बना है, कुछ सोल्जर लूम पे बना है, कुछ प्लेन लूम जितना रहता है वो सब लूम पे बनाया गया है। तो आज जैसे कि आप लोग हमारे सामने देख सकते हो, यहाँ पे बहुत बड़ा टेबल है और इस टेबल के ऊपर पूरे कपड़े को पैक किया जाता है। नीचे पूरी प्लास्टिक लगी है। ऊपर क्या है? का का? टी शर्ट का है। ये देखो गाइस, पूरा पैकिंग होता है फैब्रिक का इधर पे और ये लाइट लगी ऊपर देखो। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत हैवी हैवी मोटर लगाई गई है और आप देख सकते हो ये पूरा फैब्रिक ऊपर से कैसे नीचे की तरफ जा रहा है। ये जो मशीन है ये आयरन मशीन है। ये फैब्रिक कंप्लीट होने के बाद फैब्रिक पे आयरन करती है। देखो कपड़ा एकदम प्लेन हो गया, एकदम चिकना हो गया कपड़ा। देखो पूरा आयरन होकर कपड़ा बाहर आ रहा है देखो। और ये मशीन खुद ही फोल्ड करती है, आगे पीछे करके इसको पूरा फोल्ड करती है। देखो कपड़ा एकदम रेडी हो गया है।
सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।